बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओलंपिक स्कूल एंड कॉलेज दमयाल, मिडिल लेवल, क्लास सिक्स, सेक्शन ए बी। द टॉपिक हेयर इज सिलेक्टेड फ्रॉम योर बुक नेम एज यू सी न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कोर्स बुक वन एंड द टॉपिक हैज बीन टेकन पेज नंबर 77 to 78। And you can say that it's also be 80 and resources required to find the solution is your textbook and internet. Basically, we are going to discuss simplification of linear expression and equivalent expression. I'm here your teacher and section D and B and class 6th. So now we are going to start our lecture. Practice now. This question has been taken from your book. अगर आपको बच्चों इसमें visible show नहीं हो रहा तो आपकी book में ये solve हुआ होगा. Basically printed में थोड़ा सा इसको problem था, इसलिए इसको मैंने direct solve करके ये आपको बता दिया, क्योंकि book में थोड़ा सा इसने चेंज करके सॉल्व किया है कुछ क्वेश्चंस, तो इस वजह से उनके आंसर्स थोड़े से वो भी ठीक हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस वो थोड़े से चेंज हैं। तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा ये वाला लेक्चर है थोड़ा डिफरेंट वे में बता रहा हूँ, आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह होपफुली आप सॉल्व कर लोगे। नहीं, 1/2x प्लस 1/4y माइनस 2/5y माइनस 1/3x। आपने इसको सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1/2x माइनस 1/3x दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, 1/4y माइनस 2/5y इनको मैंने कंबाइन कर लिया। इसके बाद देखिए लाइक टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया, x और x और y को। इसके बाद मैंने जो पता चला है 2 और 3 का एलसीएम 6 है, मैंने 6 ले लिया, 2 3s आर 6, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 आ गया, x x आ गया, 3 2s आर 6, 2 को जब मैं 1x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x आ जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो 4 5s are 20, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 4s are 24 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, साथ उसी तरह वेरिएबल आ गया, 3x माइनस 2x x आ गया, डिवाइड बाय 6 उसी तरह माइनस 3y डिवाइड बाय 20। मजीद ये सॉल्व हो सकता था कैसे, 6 और 20 का मैंने एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, सेम मेथड से मेरे पास आंसर आ गया। वर्ड एग्जांपल 6 पार्ट बी, 2x माइनस 5 इस, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है आपके पास बुक में, उसने लास्ट में यहाँ पे आप को नजर आएगा, विजिबल होगा, यहाँ पे आपको 15 या 13 नजर आएगा, या आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल 13 है या 15, इनमें से कोई एक नंबर होगा, आई थिंक 15 ही होगा। तो आपने क्या करना है कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो भी मेथड ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो वो भाई आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जो ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये भी गलत नहीं है आपका, इसीलिए मकसद यही था आपको खुद से सॉल्व करके देने का। बाय एंड सबसे पहले क्या करना है आपने कि 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 है, माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 5 है, 3 और 5 का एलसीएम 15 आया, लेकिन ये इतनी चीज़ें मैंने साथ लिखी रहनी थी, ठीक है, 3 कितने जार 15 को मैंने बेसिकली पूरी की पूरी टर्म से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, तो देखें 3 1s are 3 3 5s are 15, 5 को मैंने इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, माइनस 5 1s are 5 5 3s are 15 3 3s are 9x माइनस 3 2s are 6x। यहाँ पे आप बीच में अगर माइनस है तो आपने रुक जाना है, क्यों रुकना है, क्योंकि माइनस सबके साइन चेंज कर देता है, माइनस 9x प्लस 6 आ जाएगा, तो 10x में से 9x करेंगे x आ जाएगा, माइनस ये 19 आ जाएगा। क्वेश्चन आपका ठीक है, ये अगर आप डिवाइड बाई 15 लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, तो नहीं लिखना चाहते इट्स ओके। सेम हेयर आपको अगर बुक में यहाँ पे 21 डिवाइड बाय नजर आता है तो ठीक है, अगर नहीं इस मेथड से करना चाहते हैं ये भी ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम क्या है, 21 है, 21 मल्टीप्लाई बाय x बाय 3 एंड 21 को 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 7 से किया, 7 3s are 21, 3 1s are 3 3 7s are 21, तो 7 को इससे करेंगे 7x आ जाएगा, और 3 को 2 से 6x माइनस 3 5s are 15,
तो 6x और 13 ये क्या आएगा, 13x एंड -15 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय समथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 है, ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 6 है, 2 3 जर 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, 3 2 जर 6, 2 को इससे करूंगा ये आ जाएगा, प्लस है प्लस साइन चेंज नहीं करता, इसी तरह ये लिख लेंगे, 3x प्लस 4x 7x -9 एंड -10 -19 डिवाइड बाय 6 आ गया। इसको अलग से सेपरेट कर लें, इसको अलग से कर लें, आपके पास आंसर आ गया। प्रैक्टिस नाउ 6 पार्ट बी, x माइनस 2 बाय 4 माइनस 2 x माइनस 7 बाय 3। अब मैंने इधर क्या करना है, मैंने देखें 12 इसका एलसीएम आया, तो 4 कितने जार 12 होता है, 4 ऑब्वियसली 3 जार 12 होता है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 कितने जार 12 होता है, 4 जार होता है, तो 4 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए माइनस ये सारे साइन चेंज कर देगा, 3x माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8x माइनस 4 इंटू माइनस 7 प्लस 28 डिवाइड बाई 12 आ गया, 3x माइनस 8x माइनस 5x माइनस 6 प्लस 28 प्लस 22 डिवाइड बाई 12। इसको एक दफा सेपरेट करके 12 को इसके साथ लिख दें, इसको लिख लें, फर्दर अगर मजीद इसकी कैंसिलेशन करना चाहते हैं इस टर्म की तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है। छोटा सा लेक्चर था आपका ये, तो ये जो एक्सरसाइज है होमवर्क है, एंड होमवर्क should be done on loose sheet. If you have any question, then you can text me on my number. Inshallah, see you in next lecture. Allah Hafiz.